सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर नागपुर नगर निगम 21 से 28 सितंबर 2021 तक कृमि मुक्ति दिवस मना रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों में पेट की बीमारियों से बचाव के लिए कृमि नाशक गोलियां बांटी जाएंगी। सभी अभिभावक अपने बच्चों को निगम की टीम द्वारा बांटी गई गोलियां जरूर दें। बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभियान है जो बारिश के मौसम में या भविष्य में हो सकता है और इसे नागपुर के लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। मेयर दयाशंकर तिवारी ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए निगम के इस विशेष अभियान में सहयोग करने की अपील की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ मंगलवार को धंतोली अंचल के बाबुलखेड़ा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, चिकित्सा स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष महेश महाजन के साथ धंतोली अंचल की अध्यक्ष वदना भगत, निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चुलकर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी विजय जोशी, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, अंचल स्वास्थ्य अधिकारी मेघा जेतवार, नोडल चिकित्सा अधिकारी मंजू वैद, डॉक्टर स्वाति गुप्ता आदि उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी लड़के लड़कियों को कृमिनाशक गोलियां देकर उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना और उनकी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए भोजन से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए, नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटना चाहिए, बाहर से घर आने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए और कृमि के संक्रमण से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। महापौर ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को कृमि संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए कृमिनाशक गोलियां देने की भी अपील की। अभियान में आशा कार्यकर्ता नागरिकों के घरों में जाकर कृमिनाशक गोलियां देंगी। स्वास्थ्य विभाग के मेयर ने इस विशेष अभियान के आयोजन के लिए निगम को बधाई दी। मेयर दयाशंकर तिवारी ने भी डोर टू डोर अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी आशा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इस राष्ट्रीय जंतुनाशक दिवस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चिलकर जी, जयकवाल जी, शशि जी, स्कूल की इंचार्ज जयकवाल मैडम, अर्जु मैडम यहाँ उपस्थित, इस पी एस सी सेंटर के इंचार्ज, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर यहाँ उपस्थित, सभी पेरेंट्स और पेरेंट्स बच्चे जैसे बच्चों, भारत सरकार के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्रभर में 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक जंतुनाशक दिवस के रूप में एक सप्ताह मनाया जाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।